हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका जो बीपीएससी है ना, वो टायर थ्री आपका मार्च में होने वाला है। अब आपके पास समय का बहुत ही अभाव है, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब आज से मैं वन लाइनर की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और जो भी भाई बहन इस वन लाइनर को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, मान के चलिएगा उनके पेपर में इससे बाहर की चीज़ें 1-2% भले मिल जाएं, अन्यथा नहीं मिलेंगी। जो मैं वन लाइनर लाऊंगा ये निचोड़ रहेगा। आप लोग इस निचोड़ को पढ़िए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे द्वारा बनाया गया ये जो तरीका है, जो मैंने बनाया है खुद से और आपके लिए लेकर के आया है, ये कैसा है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो हर सब्जेक्ट का वन लाइनर फॉर्म में मैं ऐसे निचोड़ ला के आपको देता रहूँगा। चलिए भारतीय संविधान के विकास से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। भारतीय संविधान के विकास से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उन सबको मैंने इसमें समेट लिया है। और हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको जीके गुरुजी अड्डा लिखना होगा और जाके सर्च करना होगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। पहला है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। याद रखिएगा, किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। चलिए, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। तो विश्व के सभी संविधानों की जननी क्या है, ब्रिटेन का संविधान है। याद रखिएगा, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसका प्रस्तुत किया था, स्वराज विधेयक का जो प्रारूप है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल, ये लाल होगा, नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित होगी। अब आपका आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और आइए देखते हैं क्या था इसमें। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है, याद रखिएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे, 3 अन्य जानना है तो हाइड, चेंबर, लिमिस्टर। याद रख लीजिएगा, हाइड थे, चेंबर थे और लिमिस्टर थे, ये 3 अन्य भी थे, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, वो ज़रूरी नहीं है। चलिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। किसके द्वारा, द्वैध शासन का आरंभ हुआ था इसके द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बस एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई, याद रखिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति जो हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला इसमें है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई।
तो भारत का राज्य सत्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए, याद रखिएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था, ये भी आपको याद रखना है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की चर्चा करते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें या उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1909 में लॉर्ड मार्ले हैं इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय, तो मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी से कहा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। इस अधिनियम को भारत में मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें जितना निचोड़ समझा कि महत्वपूर्ण है, इसमें लाने का प्रयास किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर इससे और ज़्यादा टॉपिक इसमें ऐड करें या इस प्रकार की वीडियो अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आज इसके लिए कैसा लगा ये हमारा प्रयास आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।